बड़ी अजीब बात है कि यहाँ किसी को कुछ नहीं पता कि आखिर क्या हुआ है। संजना, उसने बताया कि त्रिशंकर ने उसे बहुत डांटा क्योंकि उसने त्रिशंकर का लैपटॉप छुआ। वो शायद किसी वजह से रणवीर से चिढ़ गए। दादी, मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने तो डांटा उसको। रणवीर सही कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा आप सब सोच रहे हैं। साहू जी ने हमें टेंडर भरने को भेजा था, वो टेंडर भरने की लास्ट डेट थी और वो ऑनलाइन टेंडर से 2 बजे तक ही भरा जा सकता। हाँ भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ऐसा पहले कई बार हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि इस बात को लेकर वीर मुझसे इतना ज्यादा नाराज हो। और मुझे नहीं लगता कि इतनी सी बात के लिए वीर मुझसे इतना नाराज हो जाए। तो मेरी आंखें देख रही होंगी बहुत सूजी हुई है। मेरे को बेसिकली ना इन्होंने एक शो में बहू बना दिया और मेरे को बहुत रुलाते हैं, हर सीन में मैं रोता हूँ। तो हाँ, सीन कुछ ऐसा है जहाँ पे सुमन घर छोड़ के चली गई है, शादी का दिन है, मतलब शादी बिल्कुल होने वाली है और सडनली वो कहती है कि उसको शादी नहीं करनी। अब वो क्या रीज़न है, सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, सारे कार्ड्स बढ़ चुके हैं और सडनली एक शॉकर आता है कि वो शादी नहीं करेगी। किसी को रीज़न नहीं पता क्यों नहीं करेगी। रणवीर शॉक्ड है, फैमिली कंफ्यूज्ड है, बस अभी सस्पेंस है कि अभी हो क्या गया। अचानक से सब कुछ अच्छा चल रहा था, बैचलरेट पार्टी हुई, देवर इन लव, रणवीर सुमन का रोमांस देखा लोगों ने, अब सडनली शादी के दिन या शादी के एक दिन पहले शादी नहीं हो रही, तो पता नहीं क्या हो रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम लोग नींबू पानी वगैरह पीते रहते हैं। वी ट्राई टू हैव एज मच वाटर एज वी कैन। बाकी नींबू पानी हो गया, आई ईट लेस, मैं दोपहर का लंच जो है वो स्किप करता हूँ, कुछ सैलड्स वगैरह से काम चलाता हूँ बिकॉज यू कॉन्ट ईट सो मच ऑफ हीट। तो बस ऐसे ही टाइम पास हो रहा है, बट द वेदर इज़ नाइस, फील्स बहुत सारी हवा है और ये हो तो अच्छा है, बट इट्स फन यार, इतने सारे एक्टर्स हैं तो मज़ा आता है काम।